रांची में झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने राजभवन के पास एक दिवसीय धरना दिया है। संघ के लोगों ने कहा कि सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के बावजूद सरकार हम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार नहीं टाइम से राशन उपलब्ध कर रही है, ना ही मशीनों को ठीक किया जा रहा है। दुकानदारों ने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों ने राशन दिया, पर सरकार को ये सब नजर नहीं आया। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और नहीं देगी तो उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। हमारी मांग है कि मशीनें ठीक किया जाए और समय से राशन उपलब्ध कराया जाए। मानदेय में बढ़ोतरी की साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। इसी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो सरकार के आदेश के खिलाफ भी हम लोग अपना जान जोखिम में लगा के पब्लिक से अंगूठा ले के माल वितरण किए। उसमें हमारे बहुत सारे डीलर का देहांत भी हो गया, परंतु आज सरकार की तरफ से ना उनको मुआवजा मिला और ऐसा कि उनके परिवार आश्रित को जो अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस मिलता है उसे भी हटा दिया गया। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि लाइसेंस अनुकंपा व्यवस्था को बहाल करें और हमारे मृत डीलरों को जो इस कोरोना काल में सेवा भाव रखते हुए सहयोग किए उनके आश्रित को मुआवजा दें, अन्यथा एक परिवार को सरकार पर भी ध्यान दें और हमारी समस्याओं को सुने और इसी के संकेत के लिए सरकार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।